नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश भर में वैसे तो बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जो अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बता रहे हैं उसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। ये ऐतिहासिक मंदिर है बिहार के जमुई जिले का बाबा गिद्धेश्वर नाथ जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण खैरा स्टेट के महाराजा गुरु प्रसाद सिंह के निर्देश पर स्टेट के तहसीलदार हरि नंदन प्रसाद द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में भगवान शंकर का आप रूपी शिवलिंग विराजमान है। इसके साथ ही भगवान शंकर, माता पार्वती, राधा कृष्ण के अलावा बजरंग बली के मंदिर भी यहाँ मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था तो गिद्धराज जटायु ने उसे यहीं पर रोकने की कोशिश की और उससे जमकर युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में जटायु हार गए और बुरी तरह घायल हो गए। जब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर भगवान राम ने गिद्धराज जटायु को मोक्ष का वरदान दिया, साथ ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। यही कारण है कि इस स्थान का नाम गिद्धेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या व्यवस्था रहती है और ये कहाँ से संबंध है ये गिद्धेश्वर नाथ मंदिर? धार्मिक न्यास परिषद पटना से यहाँ से वहाँ से संबंध है, वहीं से संबंध है। और क्या व्यवस्था यहाँ रहती है? व्यवस्था चल रही है जो अभी वर्तमान स्थिति में है। वर्तमान स्थिति में जल है, यात्री सबको सारा सुविधा मुहैया है, रूम बना हुआ है, बना रहे हैं, प्रगति पर है, यही सब सुविधा दिए हुए रहते हैं। यहाँ शिवगंगा का भी शिवगंगा का पानी का साफ उप कर करके होते रहता है, लेकिन शिवगंगा में अभी कमजोरी है क्योंकि उसको पक्का वर्ग पूर्व का बना हुआ सब धन बना गया, उसका व्यवस्था करने के लिए पर्यटन विभाग को भी हमारे अध्यक्ष के द्वारा लिखा भी गया है, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा। ये बोल रहे हैं कि जिस बिहार धार्मिक न्यास परिषद की तरफ से क्या आपको कोई सहयोग भी इस मंदिर को मिलता है? कभी मिलते आ रहा है, 2 लाख 2 लाख 1 लाख, कभी कोई खास नहीं मिला है। बहुत पूर्व से 3 लाख रुपया मिला, 2.5 लाख रुपया मिला, फिर 2 लाख रुपया मिला। फर्स्ट बार आए हैं यहाँ का, देखे माहौल यहाँ बहुत अच्छा है, श्रद्धा का पात्र है यहाँ पर बहुत अच्छा है, और हम उनका कृपा, सबसे भगवती की कृपा, भोले बाबा की कृपा बहुत बड़ा परम्पार है उनका। लग रहा है कैसे यहाँ पर पूजा करके कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, बहुत खुशी होता है, क्या मनोकामना पूर्ण होता है? जी, मनोकामना पूर्ण होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आते हैं? हाँ बराबर आते हैं, महीना 15 दिन में आते हैं पूजा करने। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार यादव है। बुकार जी, आज यहाँ विशेष मुंडन करने आए हैं, बच्चे का मुंडन जी। यहाँ के लोग अपनी पहली फसल की उपज भगवान गिद्धेश्वर नाथ को ही चढ़ाते हैं। यहाँ के आसपास का मनोरम वातावरण, शिवगंग तालाब व कियूल नदी की कलकल करती धारा बरबस ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। यहाँ प्रत्येक सोमवार, पूर्णिमा, बसंत पंचमी व शिवरात्रि को हजारों भक्त दिव्य शिवलिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। राइज न्यूज, मैं हूँ दिवाकर सिंह। आज जम्मू जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक मुख्य धार्मिक स्थल गिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में आपसे रूबरू हूँ। गिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में आज देखें श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है, यहाँ की सौंदर्य देखने में ही बनता है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, लेकिन सोमवार, पूर्णमासी और खासकर सावन महीने में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। श्रद्धालुओं में आस्था और विश्वास है कि यहाँ पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होता है, यहाँ मुंडन भी होता है, आज मुंडन हो रहा है बहुत संख्या में, और ये ईश्वर मान्यता है कि आगे सामने ऊपर जो देख रहे हैं गिद्धकूट पर्वत, वहीं पर सीता का अपहरण करके रावण लंका ले जा रहा था, तभी उसको जटायु से भेंट हुई और जटायु और रावण में भीषण संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, अंततः जटायु घायल होकर उसी पहाड़ पर गिरा, और तब विलाप करते हुए रामचंद्र सीता की खोज में जब इस पर्वत पर पहुँचे
तुलसीदास ने भी लिखा है इस संबंध में कि राम विलाप कर रहे थे सीता जी की खोज के लिए, और उन्होंने एक चौपाई लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तभी जटायु से भेंट हुई और जटायु ने सारा वृत्तांत बताया। तब रामचंद्र बहुत दुखी हुए और उन्हें अपने गोद में लेके सहलाया और कहा, जटायु अगर तुम अपने प्राण को रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं हम करेंगे, क्योंकि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरा सर प्रभु राम भगवान के गोद में है, इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। तब प्रभु राम ने जटायु को अपने धाम साकेत लोक भेज दिया और वहीं से आके प्रभु राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना किया। आज मान्यता है कि यह शिवलिंग गिद्धेश्वर का शिवलिंग आप रूपी है, इसीलिए यहाँ लोग पूजा करने आते हैं, अर्चना करने आते हैं। और जब इसकी जानकारी राजा गुरुप्रसाद सिंह खैरा स्टेट के राजा को हुआ तो उन्होंने फौरन आदेश दिया अपने तहसीलदार हरनंदन प्रसाद, जो चंद्रशैली के रहने वाले थे, वो स्टेट के तहसीलदार थे, उनको आदेश दिया कि गिद्धेश्वर में मंदिर बनवाया जाए। और उन्होंने आर्थिक सहायता की और लोगों ने भी, यहाँ के इलाके के लोगों ने भी अपने श्रमदान से और चंदा पैसा करके इस मंदिर को, भगवान शंकर के मंदिर को और माँ पार्वती के मंदिर को सबसे पहले इसका बना। ये मंदिर 1934 में निर्माण हुआ, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है, सनातन है। यह त्रेता युग की ही बात है जब राम ने शिवलिंग की स्थापना किया। आज ये चारों ओर से वनों से घिरा हुआ, पहाड़ से घिरा हुआ, इससे महज 500 किलोमीटर दूर पर किउल नदी है, जहाँ जल प्रवाहित होते रहता है। यहाँ शिवगंग भी है जो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको जीर्णोद्धार चाहता है। यहाँ धर्मशाला भी है और यात्रियों की ठहरने की समुचित व्यवस्था तो नहीं, लेकिन व्यवस्था है। और यहाँ के श्रद्धालु मांग करते हैं कि इसको पर्यटक रूप स्थल के रूप में विकसित किया जाए, इसलिए सरकार से हम भी एक पत्रकार के रूप में, जिला संवाददाता के रूप में मांग करते हैं कि गिद्धेश्वर ऐसे पौराणिक स्थल को, जहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है, विश्वास का केंद्र बना हुआ है, श्रद्धालु अपार भीड़ में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इसको पर्यटक स्थल विकसित किया जाए। धन्यवाद।